हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 3 के विषय ईवीएस का कंप्लीट क्विज सॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, मीरा के घर के सामने एक परिवार आया है जो सड़क किनारे गाड़ी में रहता है। वह लोहे का काम करता है। वह परिवार है गाड़िया लोहा, कालबेलिया, बंजारा, रंगा स्वामी। तो यहाँ से करेक्ट होगा ऑप्शन फर्स्ट, गाड़िया लोहार। सेकेंड क्वेश्चन है, आपको आलू की सब्जी बनानी है, आप किस बर्तन में बनाएंगी? परात में, कटोरी में, कढ़ाई में, थाली में। यहाँ आंसर लिखेंगे कढ़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापा कम करने के लिए निर्मला को डॉक्टर ने कच्ची खाई जाने वाली भोज्य सामग्री खाने को कहा, बताओ आप उसे खाने में क्या परोसेंगे? गाजर ककड़ी का सलाद, सब्जी, खीर पूड़ी, चावल। तो आंसर लिखेंगे गाजर ककड़ी का सलाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के बारे में कौन सा वाक्य गलत है? नदी तालाब का पानी सीधा पीने योग्य होता है, बरसात का सारा पानी नालियों में बह जाता है, नदी तालाब का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है, आजकल पीने के पानी की कमी होती जा रही है। तो गलत कौन सा है? नदी तालाब का पानी सीधा पीने योग्य होता है। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि नदी तालाब का पानी सीधा पीने योग्य नहीं होता है, उसे साफ करने की जरूरत होती है तैन पिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी लेते समय डंडीदार लोटे का उपयोग क्यों करना चाहिए? ताकि हाथ गंदगी मटके में नहीं जाए, ताकि हवा के जीवाणु पानी में प्रवेश ना करें, ताकि सब मटके को ना छू सके, ताकि मटका टूटे नहीं। तो यहाँ आंसर लिखेंगे ताकि हाथ की गंदगी मटके में ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा को सब्जी खरीदने पास के बाजार जाना है, परिवहन का कौन सा साधन उसके लिए उपयुक्त रहेगा? बस, स्कूटर, ट्रक, हेलीकॉप्टर। पास के बाजार में जाना है तो उसके लिए सब्जी खरीदने के लिए सबसे उपयुक्त इनमें से साधन रहेगा स्कूटर। नेक्स्ट है, रोगियों का उपचार करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? शिक्षक, सब्जी बेचने वाला, डॉक्टर, मिस्त्री। यहाँ लिखेंगे आंसर थर्ड, डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चे और बुजुर्ग दोनों का भोजन एक सा क्यों रहता है? दोनों कम काम करते हैं, दोनों साथ रहते हैं, दोनों के दांत कम होते हैं, या दोनों साथ घूमते हैं? तो एक सा इसलिए रहता है छोटे बच्चे और बुजुर्गों का कि दोनों के दांत जो होते हैं वो कम होते हैं। नेक्स्ट है, हमारे देश में कहीं चावल, कहीं गेहूँ, कहीं मक्का, तो कहीं ज्वार, बाजरा, ऐसी अलग अलग चीज़ों को ज़्यादा खाया जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो आंसर लिखेंगे वे चीज़ें वहाँ आसानी से मिल जाती है, या वे चीज़ें अलग अलग जगह स्वाद बदलती हैं, वे चीज़ें लाने ले जाने में सुविधाजनक होती है, वे चीज़ें वहाँ कम होती हैं, वे चीज़ें वहाँ आसानी से मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ का गोला खाने पर जब आपको खांसी हो जाती है तो मम्मी शहद के साथ क्या मिलाकर दवाई देती है? अदरक का रस, मक्के का पाउडर, केले का गूदा, टमाटर का रस। अदरक का रस, ठीक है, अदरक का रस हमें मिलाकर दिया जाता है शहद के साथ जब हमें खांसी होती है, तो उससे काफ़ी आराम मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से था कक्षा 3 के विषय ईवीएस का कंप्लीट क्विज सॉल्यूशन। इसी तरह हम आपकी क्लास से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।